हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि मैंने बहुत सारी सब्जियां जो है वो लाई है, तो संक्रांति में जो स्पेशल सब्जी बनाते हैं लेकुर वाली भाजी म्हणतात, वो आज मैं बनाने वाली हूँ। तो गाजर, टमाटो, ये सब सब्जियां जो है वो कल आपको दिखाई मैंने जो लाई थी, आज एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो ये है, मैंने एक गाजर लिया है, दो तीन बैंगन लिए हैं, एक टोमेटो लिया है, देखिए ये, और एक थोड़ा सा मटर, सॉरी थोड़ा सा मटर लिया है। और ये ग्रेवीज मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखी है। इसमें है कोकोनट की चटनी, यानी ग्राइंड किया हुआ कोकोनट है, ये देखिए। और ये है गार्लिक, पिसा हुआ गार्लिक है ये। और इसमें है शेंगदाना का कूट, वो भी मैं ग्रेवी करके रखती हूँ, यानी शेंगदाना कूट, मिर्ची, कोथिंबीर सब। और ये है करी लीव्स। तो अभी देखते हैं कैसे बनाते हैं इस सब्जी को। तो ये संक्रांत में स्पेशली सब्जी जो है वो बनाई जाती है, तो आज मैं वो बनाने वाली हूँ। एक्चुअली संक्रांति में बनाते, लेकिन मैंने उस टाइम बनाई नहीं थी, लेकिन कल मेरी फ्रेंड ने बताया कि रथा सप्तमी तक संक्रांति के जो ये है त्योहार वो मना सकते हैं। तो अभी मैं कुकर में बनाऊंगी। पहले अच्छे से धो के लेती हूँ। कुकर में मैं बनाती हूँ क्योंकि कुकर में सब्जियां जो है जल्दी से बन जाती है, झटपट। ये मेरा सब्जी का स्पेशल कुकर है, इसी में मैं बनाती हूँ सब्जियाँ, फटाफट हो जाती है। तो देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं इस सब्जी को। अभी ना मैं सारी सब्जियों को पहले अच्छे से काट के पील के रखूंगी। लेके आती हूँ, ये देखिए। पहले ना मुझे गाजर को पील करना होगा। गाजर को हम बारीक से काट लेंगे।
त्यानंतर वांग, चला तर मग आता पहिल्यांदा कुकरमध्ये तेल घालून घेते. दोन पाळ्या तेल घालते कुकरमध्ये. आपल्याला लागणार आहे मटार आणि ही ग्रेव्ही नारळाची. तर आपण फोडणी करूयात पहिले. मोहरी घातली, जिरं, हळद, कढीपत्ता आणि त्यात आपण घालूयात हे चिरलेलं वांग. वांग आणि गाजर दोन घालूयात. त्यानंतर हा मटार घालूया. त्यानंतर आपण हे खोबऱ्याचं वाटण जे आहे केलेलं ते घालूया. त्यानंतर शेंगदाण्याच्या कूट आणि हिरवी मिरची आणि लसूण थोडीशी गार्लिक पेस्ट एक्स्ट्रा वरनं घालूयात. मीठ घालूयात. थोडंसं पाणी घालू. मी तुम्हाला दाखवते भाजी कशी शिजते. चांगली ढवळून घेऊयात सर्व भाजी. यस,
आणि आपण ह्याला दोन शिट्ट्या देऊयात की भाजी आपली रेडी होईल तयार. बघा ते मस्त भाजी दिसते आत्ताच. अशी ही आपण बनवतो लेकरुवाळी भाजी, संक्रांती स्पेशल.